प्रॉपर क्रिकेट जिसने नहीं खेली वो यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है जिन जिनके पास प्लान ए के बाद प्लान बी में स्विच होने की साहित नहीं है अभी आपने श्रीलंका की बैच की बात की तो देवर बोल्ड आउट इन साइड ट्वेंटी ओवर सेवेंटी सेवन फिफ्थ टाइम है कि श्रीलंका की टीम हंड्रेड से कम पे आउट हुई है तो इसका मतलब है कि उनके बैट्समैन जो है वो कंडीशन सिचुएशन की जो डिमांड होती है कि अगर बैटिंग मुश्किल है सबसे पहले तो पहले तो कैप्टन ने टॉस जीतकर उस पिच पर बैटिंग करने का फैसला किया जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है ड्रॉप इन पिचेज़ हैं आपको उनका बिहेवियर का पता ही नहीं है तो आप पहले ख़ुद उस पर क्यों बैटिंग कर रहे हैं आपने पिच को सही रीड नहीं किया और फिर उसके बाद से सेवेंटी सेवन आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया सबसे छोटे टोटल पर लेकिन एक थोड़ा सा मुझे साउथ अफ्रीका से गिला है कि जब आपने इतने छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया आप मैच तो आप जीत रहे हैं तो आपको इसको जितना जल्दी खत्म करना चाहिए था ताकि आपको एंड ऑफ द डे टू पॉइंट्स के साथ साथ आपका नेट रन रेट बहुत बेहतर होता आज जो मैच हुआ अफगानिस्तान और युगेंडा का उसमें अफगानिस्तान ने उनको 125 सौ रन से हराया और अफगानिस्तान का सिक्स पॉइंट समथिंग नेट रन रेट हो गया लेकिन जब ये इस राउंड से नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और उसके बाद से इंटू द सेमीफाइनल तो वहाँ पर अगर दो चार टीम्स के पॉइंट्स बराबर हो रहे होंगे तो नेट रन रेट जिससे ये गेम अवेयरनेस होती है कि यार मैच तो हम जीत रहे हैं तो इसको जल्दी फिनिश करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करिए लो बाउंस है और बैटिंग इतना शॉर्ट मेकिंग आसान नहीं है कि वो जो आपको वो कहते हैं ना कि अगर आप बेशक 150 फिफ्टी के पी से बॉल कर रहे हैं लेकिन इतनी ट्रू पिचे टी ट्वेंटी में कि बैट्समैन आसानी और छक्के तो लगा रहे। तो वहाँ वो बैट्समैन हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान का भी ओपनिंग मैच होने जा रहा है छे को अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी वो पहले जीत चुके हैं अपना ओपनिंग मैच भी ऑलरेडी विन कर चुके हैं है पाकिस्तान को ओपनिंग मैच हल्का लेना चाहिए टीम को या नहीं देखिए वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते लास्ट वर्ल्ड कप क्योंकि पाकिस्तान उसमें फाइनल में पहुंचा था एंड पाकिस्तान लॉस्ट फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड आपको इंटरप्ट करने लगी लेकिन हमारा ये मसला है हम हल्का ले लेते हैं नहीं हम हल्का ले, ले लेते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत अदा कीमत करनी पड़ती कर कर है प्राइस पे करनी पड़ती है यूनाइटेड स्टेट्स की आपने बात की तो दे हैव चेज डाउन हंड्रेड एंड नाइन नाइन एक बड़ा टोटल तो उनकी आपको बैटिंग कैपेसिटी uh, आपको नजर आ रही है कि वो वो इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा भी सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं तो जब हमारा उनसे मैच होने जा रहा है क्या हमारे बैट्समैन में वो सलाहियत है कि वो इतना बड़ा टोटल बोर्ड में लगा सकें लेट से अगर उन्होंने लगा दिया उनके बैट्समैन है एरन जोन्स ही स्कोर नाइन्टी ऑफ और फोर्टी बॉल्स इमेजिन करें मोर देन टू का स्ट्राइक रेट और अनबीटन एनी हैज है टेन सिक्सज क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सके टी में क्रिस गेल का रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के ग्यारह छक्कों का एक इनिंग में तो, इन्हों तो इन्होंने दस छक्के लगा दिए तो उन्होंने बता दिया कि जहाँ उनके पास बैट्समैन ऐसे हैं कि जो बाउंड्रीज लगा सकते हैं पाकिस्तान को बड़ा अच्छा पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है हमने देखा कि हमारी प्रिपरेशन थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड बारिश की नज़र होगी ब मुश्श्किल दो मैच जीते दो वो उन्होंने जीते फिर आयरलैंड हम गए आयरलैंड से हम हिस्ट्री में पहली दफ़ा टी हार गए हमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था कोई कंपेरिजन नहीं है पाकिस्तान और आयरलैंड का लेकिन वी वी लॉस्ट द मैच हमारी टीम इतनी बुरी हो चुकी है हमारी टीम हमारा के अभी के तक सेटल ही नहीं हो पाया है देखना अभी तक हम चाह रहे थे कि साय मयूब ओपन करेंगे लेकिन इंग्लैंड के दौरे पे जब हम पहुंचे तो हमने साय मयूब को कहा कि नहीं जी आपसे सही ड्रॉप किया क्योंकि उनसे नहीं डिलीवर हो रहा था परफॉर्म नहीं हो रहा था मजबूरन वो मोस्ट रिलायबल ओपनिंग प्लेयर बाबर आजम और रिजवान जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं जी ये इनका स्ट्राइक रेट है लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है हमारे पास हमने और जिन जिन को ट्राई किया तो वो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट Uh, एक और पाकिस्तान को एक और वरिंग साइन वो ये है कि शादाब खान बीइंग एन लेग स्पिनर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे और उनको हम टीम में इसलिए डालते थे उनको थोड़ा सा एडेड एडवान्टेज देते थे कि वो बैटिंग में भी साथ साथ कर लेते ऑल दो के फील्डर ज़बरदस्त है लेकिन ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं तो पाकिस्तान अब ये सोचने में मजबूर हो गया है कि मिस्ट्री स्पिनर जो पाकिस्तान के स्क्वाड में अब्रार अहमद हैं उनको शादाब की जगह खिला दे हो सकता है पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कम हो जाए लेकिन शादाब बैटिंग होते हैं के बावजूद डिलीवर तो नहीं कर रहे तो बेहतर होगा कि अबरार को खिला दिया जाए जो एक प्रॉपर स्पिनर है सही जगह छः बॉलिंग कर तो सकते हैं लूज़ तो नहीं करेंगे कॉन्सनट्रेशन और जो प्रेशर एक एंड से बिल्ट होता है दूसरे एंड से आप रिलीज़ कर देते हैं लूज़ बॉलिंग करके तो यहाँ और साथ साथ सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान के विकेट कीपर जिनको हम हमने कहा था कि जी पावर हीटर है और हमें पावर हीटर चाहिए था लेकिन आज़म खान की जो जो नज़र आई हैं वीकनेसेस सिंपल दो कैचेस छोड़ दिए आमिर की बॉल पे और फिर हारो की बॉल पे जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने ब्रूटली छः ओवर में सेवेंटी एट किए तो वहाँ हमें एक अच्छा रिलायबल विकेट कीपर चाहिए और फिर उनकी जो कहा जा रहा था कि वो पावर हिटर है देख लिया उनको तो शॉर्ट शौ, पिट बॉल पर बसानी एक्सपोज कर दिया मार्कपोर्ट ने हंड्रेन फिफ्टी के पे उनको देखें पेस जिस बॉलर के पास है और वो अगर विट देता रहेगा तो बैट्समैन कभी ट्रबल नहीं होगा लेकिन अगर उसको बॉडी लाइन बॉल करेगा ना तो यहाँ से वो शॉट खेलने के लिए बैट्समैन भी डरेगा कि यार ये बॉलर तेज है मुझे लग भी सकती है और मेरा टॉप एज भी लग सकता है मेरा जरूरी नहीं है हर बॉल कनेक्ट हो जाएगा hmm. तो बॉलर को ये समझने की जरूरत है अगर आपके पास स्पेस है तो आप वेट ना दें कम अज कम स्टम्प्स में बॉल करने का सबसे अच्छा आइडिया वही होता है कि आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई आपके कैप्टन ने कि यार आपकी बॉलिंग पे इस बैट्समैन के अगेंस्ट

हमारा इश्यू हमारे बहुत सारे हैं, बहुत क्या हो गया हमारे प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स को, <laughs> को ये हो गया कि <laughs> देखिए इंद्री के बाद आए हम बहुत सारे प्रोग्राम में कर चुके हैं कि लोड <laughs> मैनेजमेंट नहीं हो रही रोटेशन पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई प्लेयर अब ये हम जो बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के मैच की एनरिक नोकिया नौ महीने के बाद आए इंजर्ड हो गए थे उन्हें पूरा टाइम दिया गया कि वो फुली फिट हो जाए और वापस अपनी फॉर्म रिगेन करें फॉर्म रिगेन करें सबसे ये नहीं कि आपके नाम को खिला दिया आप फिट हो गए आपको खिला दिया भाई आप डोमेस्टिक खेलें आप परफॉर्म करके जाएँ उस परफॉर्मेंस की बेस पर आप पाकिस्तान आएंगे हमारा क्या होता है कि हमारा प्लेयर अगर इंजर्ड होता है वो बाहर चला गया और उसको जल्दबाजी करते हैं वापसी लाने में भी जल्दबाजी करते हैं और उसको ला सीधे पाकिस्तान टीम में खिला देते हैं तो वहाँ पे वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत प्रेशर होता है उसके लिए आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स आपने किए हों ताकि आपका एक रिदम बना हो तब आप आके डिलीवर करेंगे और शायद हमारी टीम की स्ट्रेंथ्स नहीं या शायद प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि वो प्रेशर को टेकअप नहीं कर पा रहे हैं पर एक्सपीरियंस तो है इनको क्या इशू है देखें एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाता जा है फिर प्रेशर हम नहीं गएंगे आपको हर सिचुएशन से आप तो गुजरे होते हैं तो तो स्पोर्ट्समैन के इतने मजबूत होने आप आप गुजरे हुए इन में आपका एक्सपीरियंस इजीलिए है कि आप इन सिचुएशन से गुजरे हुए हैं आपको मुश्किल नहीं होगी बाबर आजम ने खुद ही कहा है कि मैंने ये सेमीफाइनल्स भी खेल लिए फाइनल्स भी खेले बस ट्रॉफी उठाना रहेगा सो अगर आप इतने एक्सपीरियंस हैं ही आपके पास इतने सारे एजाज मौजूद हैं तो फिर जीत के भी दिखा अच्छा एक और मशवरा है पाकिस्तान टीम जरा ये सोशल मीडिया से और मीडिया से दूर है, से नहीं वो हर हो रही होती है और फिर आप एक्सपोज हो रहे हो अच्छा अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है अफगानिस्तान जो है वो युगेंदा का मैच चल रहा है इसपे क्या कॉमेंट है जी हाँ नौ रन देकर पांच आउट किए एक सौ पच्चीस रन से जी हाँ एक सौ पच्चीस रन से एक तो स्कोर बढ़ा किया हंड्रेड एंड एटी फाइव और yes. फिर फिफ्टी एट पर आउट कर दिया तो बहुत अच्छी अफगानिस्तान की देखें कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके स्पिनर्स बहुत क्वालिटी के इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ में माजी में बहुत फास्ट पिचेस हुआ करती थी अब जो है वहाँ पे लो बाउंस है लो बाउंस में स्पिनर का इंपैक्ट आपको नजर आएगा कि बैट्समैन का फ्रंट फुट बैट्समैन रिलेक्टेंट होगा कि मैंने आगे जाना है या पीछे जाना है पीछे चला गया बॉल नीचे रह गया तो स्टम्प्स पर लग जाएगी पैड पर लग जाएगी तो वो तो स्पिनर उसके बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहा है तो जिन टीम्स के पास स्पिनर क्वालिटी के और अफगानिस्तान हैव क्वालिटी स्पिनर्स दे हैव गॉट राशिद खान नवीन अल्लाग नूर तो उनके पास बड़ी जबरदस्त बॉलिंग अटैक है और उनके फील्डर्स और उनको ये छोटा फॉर्मेट इसलिए सूट सबसे ज़्यादा करता है कि उनके बैट्समैन पाकिस्तान में ज्यादा क्रिकेट खेलें टेनिस बॉल पाकिस्तान में खेल के वो वहाँ पे गए हैं hmm. तो उन्हें टेप बॉल क्रिकेट में एक ही अंदाज़ नजर आता है कि खुल के खेलना है चौके छक्के लगाने तो ऑन द डे अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो वो हर टीम को हराने की सलाह सकते हैं और उनके पास वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है hmm. कि वो चैलेंज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में डू थिंक के ओवरऑल uh, अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही देखिए परफॉर्मेंस तो चार ओवर में सात रन देकर चार खिलाड़ी आउट किए एनरिक नोकिया बेस्ट बॉलिंग अपने कम पे ऑटिनल uh, बाटमन जो है उनके फास्ट बॉलर वो अपना पहला मैच खेल रहे थे पहली बॉल पे विकेट ले ली और फिर श्रीलंका की जब हम बात करें जैसे हमने शुरू में कहा कि टॉस जीतकर आपने क्यों बैटिंग की जब आपको उस पिच का पता ही नहीं था उसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी को भी नहीं पता ड्रॉप इन पिचेज आ रही हैं तो श्रीलंका के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे ग्रेट जावेद मियादाद क्या कहते हैं कि वनडे की क्योंकि उन्होंने टी ट्वेंटी खेली नहीं वनडे के हवाले से कहते हैं कि तीन सौ बॉल होते हैं पचास ओवर्स में तो तीन सौ बॉस में अगर आप लेट से फिफ्टी परसेंट भी सिंगल डबल करते हैं तो आपका डेढ़ सौ रनस तो होती है बाकी डेढ़ सौ बॉलों पर अगर आप वन परसेंट या टू परसेंट आप चौके छक्के लगा लेंगे तो आप दो सौ उस वक्त दो सौ रन बोलते थे हो जाते लेकिन आपने एक प्लानिंग की हुई है ना अभी भी इन बैट्समैन को श्रीलंका के बैट्समैन को जब आपको शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं मिला आपके पावर प्ले में तीन खिलाड़ी आउट हो गए तो आपके उसके बाद से एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिसमें उनके कैप्टन थे वनिंदू आसारंगा एंजिलो मैथ्यूज थे फॉर्मर कैप्टन दासुन शनाका थे इन सारों का रोल उनके एक्सपीरियंस का फायदा तब होता है कि आप अब